हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी लोगों का कल की पार्टिसिपेंट वाइज एफ डेटा एनालिसिस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो हम लोग करेंगे एनालिसिस जो भी हमारे एफ प्रो एंड हमारे क्लाइंट हैं उनके डेटा के ऊपर ताकि हमें ये पता चल सके कि कल मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग दोस्तों कि जो हमारे क्लाइंट है, की है और स्टॉक फ्यूचर यहां पे लॉन्ग है इसके बाद एफ आई देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट है इंडेक्स कॉल पे लॉन्ग है और इंडेक्स पुट पे भी लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे भी लॉन्ग है इसके बाद प्रो का डेटा देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट हैं कॉल में भी शॉर्ट हैं और पुट में भी शॉर्ट है और, है है, और स्टॉक है कि जो पोजीशन है वो स्लाइटली जो है बुलिस साइड नहीं आ रही है और बियरी साइड भी नहीं आ रही है क्योंकि इक्यावन हजार कॉल बाई किया है बाईस हजार पुट सेल किया और सत्रह हजार इंडेक्स फ्यूचर सेल कर दिया तो मोटा मोटी अगर देखेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पे पोजीशन उन्होंने अपनी स्क्वायर एफ की है शॉर्ट वाली और धीरे से लॉन्ग आने का इंडिकेशन दे रहे हैं प्रो ने कम्पलीटली जो है यहाँ पे जो पोजीशन बनाई है वो एम टू एम में वो बिल्कुल हेज है मतलब ना ऊपर ना नीचे आठ हजार क्वांटिटी उन्होंने सेल कर दी कॉल सेल कर दिया अड़तीस हजार जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर आपका सेल हो गया और पुट जो है एक लाख क्वांटिटी सेल की जो कि पहले की उनकी होल्डिंग है तो वो प्रॉफिट बुकिंग में गई है लेकिन स्लाइटली इनका भी जो इंडिकेशन आ रहा है वो रहा है कि ये बोली साइड जो अभी डायरेक्शन जो है चेंज करने की कोशिश में है क्लाइंट इसके अपोजिट अब जो जो पोजीशन बना रहा है वो है वो शॉर्ट साइड पोजीशन बनाता हुआ दिख रहा है अगर आप देखेंगे तो बयासी हजार पुट की है उसके सामने इक्कीस हजार कॉल भी सेल है और इंडेक्स फ्यूचर में मात्र छत्तीस सौ क्वान्टिटी लॉन्ग है अब आइए चलते हैं मेन डेटा पे जो कि हमें कंक्लूजन देता है कि डेटा जो है ओवरऑल किस साइड से क्योंकि ये तो समरी था ये जस्ट महज आज की ट्रेडिंग है लेकिन हमें ये जानना है कि इनके पास होल्डिंग में जो है क्या भी पोजीशन बन के आ रही है वो जो है काफी एक अच्छा जो है हेल्प करता है तो यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट के पास जो है अब एक लाख जो है लॉन्ग हो चुका है पहले जो है छियानबे हजार था और डीआई के पास देखेंगे तो अब जो है शॉर्ट से जो है लॉन्ग में आते हुए दिख रहे हैं तैंतीस सौ क्वान्टिटी लॉन्ग आ चुके हैं एफ के पास देखेंगे तो पहले अंठावन शॉर्ट था और अब जो है पचहत्तर शॉर्ट है तो थोड़ी सी यहाँ पे शॉर्ट जो इंक्रीज की है प्रो के पास देखेंगे तो इन्होंने भी थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर पर शॉर्ट जो है इंक्रीज किया है अब कॉल की बात करेंगे तो कॉल जो है क्लाइंट के पास पहले एक लाख चालीस हजार था अब जो है एक लाख सत्रह हजार आ रहा है यानी कि इन्होंने अब कॉल की जो पोजीशन है लॉन्ग वाली वो चेंज करनी स्टार्ट की है डीआई के पास वही पोजीशन है उन्नीस सौ इक्यासी क्वानिटी एफ आई आई के पास देखेंगे दोस्तों तो कल जो है एक लाख उनचास हजार के करीब जो है कॉल लॉन्ग था और आज जो है दो लाख के करीब कॉल लॉन्ग हुआ है यानी कि अब ये जो है कॉल एक्युमुलेट कर रहे हैं प्रो का पास देखेंगे तो प्रो जो है यहाँ पे दो लाख नब्बे हजार जो है शॉर्ट होल्ड कर रहा था इंडेक्स कॉल पे और अब जो है तीन लाख इक्कीस हजार शॉर्ट होल्ड कर रहा है इंडेक्स पुट पे देखेंगे तो क्लाइंट जो है पहले चार लाख छब्बीस हजार जो है पुट शॉर्ट होल्ड कर रहा था अब जो है तीन लाख चौवालीस हजार इन्होंने जो शॉर्ट पुट है उसको कवर करना स्टार्ट किया है डी के पास वही मोटा मोटी पोजीशन है सताईस हजार आठ सौ पचहत्तर क्वांटिटी इंडेक्स पुट पे लॉन्ग एफ के पास देखेंगे तो तीन लाख सतहत्तर हजार पहले जो है पुट लॉन्ग था और अब जो है यहाँ पे तीन लाख निन्यानबे हजार यानी कि तकरीबन तकरीबन चार लाख के करीब जो इनके पास फिर से पुट लॉन्ग है तो एफ कंटिन्यू जो है पुट को होल्ड करे चल रहे हैं यहाँ पे और चार लाख के करीब जो है क्वांटिटी आ चुकी है यानी कि मार्केट अपर लेवल पे अभी भी प्रेशर फील करेगा बॉटम लेवल पे सपोर्ट मिलेगा और अपर लेवल पे प्रेशर आएगा ही

स्टॉक फीचर पे देखेंगे तो क्लाइंट जो है सेम वही बारह लाख के लॉन्ग और डीआई जो है पंद्रह लाख के शॉर्ट चौरानबे हजार जो है एफ लॉन्ग और एक लाख छियासी हजार प्रो जो है लॉन्ग होल्ड कर रहा है एफ की पोजीशन थोड़ी सी इंक्रीज हुई है स्टॉक फ्यूचर पे और प्रो की भी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है तो ओवरऑल जो डेटा हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है दोस्तों कि जो शॉर्ट की पोजीशन है बड़े ट्रेडर वो कंटिन्यू होल्ड कर रहे हैं क्लाइंट यहाँ पे जो अपनी लॉन्ग की पोजिशन थी स्क्वायर ऑफ करके शॉर्ट साइड जो है जा रहा है और एफ आई आई एन एच ठीक है ये स्लाइटली जो इंडिकेट कर रहे हैं कि अब ये धीरे धीरे यहाँ पे पोजिशन एकमुलेट करते हुए नजर आएंगे लॉन्ग साइड से लेकिन शॉर्ट भी होल्ड कर रहे हैं तो हमें वेट करना होगा कि ये लोग शॉर्ट कब कम्प्लीटली या कम से कम पार्सली छोड़े या इंडिकेशन मिले तब जाके हमें एग्रेसिव लॉन्ग लेने होंगे लेकिन तब तक हम लोग बॉटम लेवल पे लॉन्ग और अपर लेवल पे शॉर्ट से काम करेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल पे ही काम करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट लेवल का अपडेट है वो मैंने इवनिंग के सेशन में दिया हुआ है ये लेवल सारे नोट कर लीजिएगा का काफ़ी हेल्प करेगा अब आइए चलते हैं हम लोग जो है ऑप्शन चैन के डेटा पे और देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन चैन है वो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है किस हिसाब से तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो है निफ्टी का ऑप्शन चैन जो है चेक करना है कि निफ्टी में जो है किस हिसाब से जो है पोजीशन बनी हुई है और चूंकि एक्सपायरी नजदीक है तो हम लोग मंथली का भी इस एनालिसिस में चेक करेंगे तो टोटल जो पुट है यहाँ पे दोस्तों वो दस लाख तिहत्तर हजार के करीब है और अट्ठारह लाख के करीब जो है कॉल जो है शॉर्ट है और जो पी आ चुका है वो पॉइंट से लेकर सिक्स के बीच में जो है घूम रहा है अभी यहाँ पे देखेंगे तो टोटल जो हमारे नियरेस्ट में जो सबसे ज्यादा हाई

लेवल जो है प्ले हो रहा है और सत्रह हज़ार आठ सौ रेस्टिडेंस के बेस पे जो है एक अच्छा जो है लेवल यहाँ पे दिख रहा है सतासी हज़ार के करीब यहाँ पे कॉल सेलर है अगर यहाँ पे फ्रेस में देखेंगे तो यहाँ पे कॉल सेलिंग जो है यहाँ पे दिखाई दी है कुछ आई में जो है यहाँ पे स्क्वायर भी हुए हैं पुट साइड से देखेंगे तो जो पुट सेलर थे वो अपनी पोजीशन स्क्वायर स्क्वारप करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं काफ़ी सारी पुटे जो है यहाँ पे एग्जिट होती हुई दिखाई दे रही हैं इसके अलावा हम बेहतरीन एक डेटा जो है मंथली का है वो चेक करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा एक ब्रॉडर लेवल पे व्यू मिले तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे पांच लाख जो है पुट सेलर हैं और चार लाख जो है कॉल सेलर है यानी कि मंथली का जो डेटा है वो स्टिल पॉजिटिव नजर आ रहा है अब हम आके बिल्कुल नियर के स्ट्राइक में देखेंगे कि किस हिसाब से पोजीशन है तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो पोजिशन अभी नियर में है वो सत्रह पे भी है सत्रह पे ही है यहाँ भी वीकली में भी सत्रह पे है मंथली में भी सत्रह पे है और सत्रह हजार पे देखेंगे पोजिशन जो बनी है कंप्लीटली अच्छी वाली वो सत्रह पे है जो कि 31,000 है, है तो एक बॉटम फॉर्मेशन की कोशिश होगी यानी कि 17,500 लेवल अगर आके होल्ड होता है तो हमें वहां पे लॉन्ग इनिशिएट करने हैं क्योंकि 17,500 पे मंथली में काफी अच्छा हुआ ही देखने को मिल रहा है यानी कि 17,500 मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड आउट करने की कोशिश करेगा अब सेम जो बैंक निफ्टी का भी डेटा हम लोग देख लेते हैं वीकली एंड मंथली का एक क्लियर पिक्चर के लिए तो सत्तर लाख जो है पचहत्तर हजार कॉलसेलर है और आठ लाख साठ हजार मात्र जो है पुट सेलर है कॉल सेलर काफी जो है एग्रेसिव है डबल से ज्यादा के हैं और मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है ये चीज हमें ध्यान में रखनी है मैक्सिमम जो पोजीशन जो नियर बाई में दिख रही है वो इकतालीस की है जो की चालीस पे है यानी कि चालीस हजार मेक एंड ब्रेक लेवल है कल के लिए चालीस के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है और चालीस हज़ार लेवल जो मैंने आज के लिए दिया था मल्टीपल टाइम मार्केट ने रिवर्स किया चालीस हज़ार का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था आज का की लेवल था यहाँ पे देख सकते हैं किस हिसाब से हमने ये लेवल निकाला था बयालीस हज़ार जो है यहाँ पर अच्छे खासे पुट राइटर है इसीलिए हमने चालीस हज़ार को एक इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पे देखा था और स्लाइटली डाउन साइड में उनतालीस हज़ार पाँच सौ जो है इम्पोर्टेंट लेवल था वहीं से मार्केट जो है रिबाउंड हुआ मंथली का डेटा बैंक निफ्टी का भी चेक करना बहुत जरूरी है अदरवाइज वन साइडेड बेरिस पोजीशन के चक्कर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे अब देखिए मंथली का जो पोजीशन बना हुआ है दो लाख चालीस हजार और दो लाख बारह हजार जो है पुट सेलर तो मंथली में स्लाइटली बीस हजार के करीब जो कॉल सेलर ज्यादा हैं बट ये बीस हजार क्वांटिटी कभी भी चेंज हो सकती है राइट में जो पोजीशन जो है दिखाई दे रही है इकतालीस जो है आपका हाइस्ट वाई एक खड़ा है दस के करीब यानी कि इकतालीस एक मेजोर रेजिस्टेंस की तरफ वॉक करेगा अगर इस वीक में भी इकतालीस जाता है तो मार्केट को एक बार निकालने में तकलीफ होगी और बॉटम लेवल पे सपोर्ट हमें चालीस हजार पे आता हुआ दिखाई देगा जो कि आज आपने देखा भी कि के निकलते ही बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही थी का है, लेबल। अगर, आ, कल जैसे कि लेकिन चालीस हजार के ऊपर है तो हमें फिर यहाँ से लॉन्ग साइड से पोजिशन को देखनी है तो इस हिसाब से हमें जो दोस्तों डेटा मिला है और जो हमारा ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो कंप्लीटली ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अपर लेवल पे प्रेशर फिल करेगा

शेयर्स हैं अदानी इंटरप्राइजेज अदानी विलमर अदानी टोटल गैस सारे जो सेवन शेयर हैं उसके सारे की जो एनालिसिस टेक्निकल लेवल दिया हुआ है उसको जरूर देखिएगा लेट नाइट जो है पब्लिश होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में